तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर की। चारा घोटाले में लालू को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार की है। तो लालू यादव पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है लालू यादव को। चारा घोटाले में हर केस का ट्रायल अलग से होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 950 करोड़ का घोटाला, चारा घोटाला, जिसमें 6 केस चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के ऊपर। इन 6 में से 1 केस जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला हाईकोर्ट ने हटा दिया था, इसके खिलाफ सीबीआई गई थी सुप्रीम कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अभी फैसला दिया है कि इस मामले में, यानी इस केस में, अब आपराधिक षड्यंत्र का केस चलेगा लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव को 2013 में इन्हीं 6 में से 1 केस में जेल की सजा हुई थी। इसके बाद से लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं, और ये एक मामला उन चारा घोटाले से जुड़े हुए 6 केस में से 1 केस जिसमें लालू प्रसाद यादव पर अब आपराधिक षड्यंत्र का मामला चलेगा। ये मामला हटा दिया था हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने, और सीबीआई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, और आज फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले में भी अब आपराधिक षड्यंत्र का केस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चलेगा। तो 90 के दशक का ये मामला, तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और एकीकृत बिहार, झारखंड और बिहार एक साथ हुआ करता था। 1996 में यह मामला खुला था चारा घोटाले का, और इसके बाद कई सारे आरोप लगते गए। इस पूरे मामले में कई आरोपी थे, अब कुल 29 आरोपी हैं जिन पर चारा घोटाले के अलग अलग केस चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जगन्नाथ मिश्र भी इसमें से एक आरोपी हैं, और लालू प्रसाद यादव पर 6 केस चल रहे हैं चारा घोटाले से जुड़े हुए, जिनमें से एक मामले में 5 साल की सजा हुई थी 2013 में लालू प्रसाद यादव को, और उस मामले में उन्हें जमानत मिली थी। आरजेडी के अध्यक्ष, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर अब चारा घोटाले के मामले में 1 केस में आपराधिक षड्यंत्र रचने का केस चलेगा। ये धाराएं झारखंड हाईकोर्ट ने हटा दी थी, और सीबीआई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिस पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सीबीआई की अपील मंजूर कर ली है। सीबीआई ने कहा कि आपराधिक साजिश का केस चलना चाहिए चारा घोटाले के इस केस में। तो दुमका, चाईबासा, कई सारे कोषागारों से, यानी ट्रेजरी से, अवैध रूप से पैसे निकालने का केस है, और कुल मिलाकर यह पूरा केस चारा घोटाले का 950 करोड़ का, 950 करोड़ का यह घोटाला, जिसमें कई सारे मामले हैं और सभी केस न्यायालयों में चल रहे हैं। 29 आरोपी अब बच गए हैं जिन पर यह मामला चल रहा है। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कानून के शिकंजे में हैं, इन पर केस चल रहा है, और इस वक्त जमानत पर बाहर हैं लालू प्रसाद यादव। कुल 6 मामले लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले से जुड़े हुए, जिनमें से एक मामले में अब उन पर आपराधिक षड्यंत्र का केस चलेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाला, जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया था, और इन आरोपों से अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं कई राजनेता, कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और लालू प्रसाद यादव, और उनके साथ साथ कई सारे आईएएस अधिकारी भी आरोपी हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का केस चलेगा, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का केस चलेगा। आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं हटाई गई थी लालू प्रसाद यादव के ऊपर से इस केस में,
और अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक षड्यंत्र का केस सीबीआई चलाएगी।